हमारे साथ एक महोदय जुड़े हुए हैं जो शिक्षित हैं और इसमें बैठने लायक ही नहीं है। ये देखो बनाया है नाम के लिए, बना दिए लेटरिंग बना है इन नाम के लिए। दादाजी खोली दादा खोले देख लिए। हाँ काव बनाए हैं। क्या दिन चलता है एकदम बड़ा गड्ढा के थोड़ा एक ना गड्ढा वाला इतना कर दिए है। गड्ढा नहीं खोदा क्या इतना गड्ढा है नहीं है। तीन फीट। आप ये बताइए क्या नाम चाचा आपका? राम केवल जी आप बताइए आपके यहाँ जो है शौचालय बना हुआ है तो आप इसमें जाते हैं? हाँ, टोटी वगैरह नहीं लगा है, टंकी नहीं लगा है ऊपर। तो सरकार अच्छा काम कर रही है गलत काम कर रही है? गलत काम। आपको कितना मिला था इसका पैसे? मतलब 12,000 आया था ना? आया था वो अपने आप बनाया। हाँ ठेकेदार अपने आप लोग से ठेकेदारों ने सही बनाए नहीं आपके अनुसार रखी गई है केवल बस वही तो कुछ धागा है लेकिन गड्ढा नहीं। तो ये हमारे ग्रामवासी हैं बराव के और विनय कटियार के क्षेत्र के हैं और ये जो है यहाँ पे विनय कटियार जो है वो गोद ले रखे हैं और गोद के अलावा यहाँ पे कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। या तो सरकार में कमी है या फिर कर्मचारियों में कमी है। तो इसे जायजा लेने के लिए यहाँ पे खुद निरीक्षण करना चाहिए कि जब विनय कटियार जी जो है गोद ले रखे हैं और अभी तक जो है कोई काम यहाँ शुद्ध नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? गोद लेने का मतलब ही क्या होता है? और यहाँ पे कोई जो है तहसीलदार या और कोई यहाँ नजर आते हैं? आइए हमारे साथ बहुत सारे ग्रामवासी हैं। अच्छा यहाँ पे कोई अधिकारी आता है जो साफ सफाई के बारे में या जो है विकास के बारे में? कोई नहीं आता। आइए हमारे वो एक महिला बोली कि यहाँ पे कोई नहीं आता है और एक महिला और जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? कमलेश जी आप ये बताइए आप यहीं रहने वाली हो? हाँ। यहीं रहती हो? हाँ। तो यहाँ पे जो है ये शौचालय वगैरह लोग बाहर जाते हैं कि यहीं पे करते हैं? जी गढ़ा छोटा है इनका कहने मतलब है कि बहुत ज्यादा भर जाता है और ये नाली भी साफ नहीं होता है और यहाँ पे जो है मलेरिया वगैरह शिकायत होता है ऐसा मच्छर। जी जी तो हमारे साथ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि हमारा गांव जो है भले ही गवर्नमेंट भारत सरकार जो है इसे गोद लिया है और विनय कटियार भले ही इसे गोद लिए लेकिन जो है गोद के नाम से कोई काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ एक बुढ़िया जुड़ी है। आंटी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जी तो यहाँ पे जो विनय कटियार जी जो है इसे गोद ले रखे हैं तो आपके अनुसार अच्छा काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी तो लेट शौचालय वगैरह बन गया? लेटरिन वगैरह बन गया? अच्छा बना है कि वैसे ही बना है? टोटी वगैरह लगा है? टंकी वगैरह लगा है? पानी वगैरह बाहर से नहीं लाना पड़ता? लाना पड़ता है।
लाना पड़ता है जी हाँ। तो ये महिला भी कहना है कि जो है टंकी वगैरह नहीं लगा है और खाना पूर्ति केवल हुआ है, और ये किसकी कमी है, आखिर इसका जांच अच्छी तरह से होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ गांव का जो है जब सरकारी पैसा डकारे खुद इकट्ठा हो बाद आए लिखा पढ़ी कर चार्ज ने वो नहीं चमचा बैठा है सेक्रेटरी के प्रधान के बोल ही ना पाओ दूसर का और अपन लिख पढ़ के लेके गए बात खत्म। ये कहानी खत्म इतने होता है तीसरी साल चल रहा है प्रधानी जीते हुए प्रधानी को तीसरी साल चल रहा है खुली पंचायत सिर्फ एक हुई है वो भी पूरी तरह से नहीं हुई बाकी आज तक कोई खुली पंचायत नहीं हुई खुली पंचायत करके इसका सबका प्रस्ताव किया ग्राम सभा बगांव के ग्रामवासियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि आज तक इस ग्राम सभा में केवल एक बार खुली मीटिंग की गई है ग्राम विकास के नाम पर, उसके बाद कभी कोई खुली मीटिंग नहीं की गई है ना अभी नहीं, भी नहीं। अभी नहीं की गई ना कुछ नहीं, एक बार राशन के लिए हुई थी, एक बार जब जीते थे तब हुई थी बस, और इस आम तीसरा साल चल रहा है जबकि हर महीने होना चाहिए मीटिंग ग्राम सभा में। जैसे कि ये आप सबको आने जाने के लिए भैया सुविधा हो रही है असुविधा तो है ये, जबकि ये आम रास्ते से आम रास्ता आ रहा है मेन रोड से ये रास्ता ग्राम सभा को जा रहा है, ये मेन रास्ता है ग्राम सभा का, इसके बारे में क्या कहना है आप, आने जाने असुविधा है आपको कि असुविधा हो रही है? असुविधा बड़ी असुविधा है, जनता नहीं है, रात में आ रहा तो देखा नहीं घुस गया उसका पैर हाथ पैर टूट गया था उसका भी देख रहा है।